सचिव और संपादक और निष्पादक जो जो भी पद हमने सृजित किए हैं उनको एक अधिकार दिया जाता है कि आप लोग करें, क्योंकि हमारे पास में उतना समय नहीं होता है जितना समय दान आप लोग कर सकते हो। आप लोग इतने सक्षम हैं कि अगर कहीं से प्रतिवेदन आता है तो आप लोग अपनी मीटिंग बुला करके, कार्यकारिणी की मीटिंग बुला करके उसमें निर्णय लेकर के उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन क्यों नहीं भाई, 5 वर्ष का इंतजार क्यों करें? अरे हम 5 वर्ष करते करते तो कितने पीछे चले जाएंगे? हम समाज को पीछे ले जा रहे हैं क्या? बिल्कुल कतई पीछे नहीं ले जा रहे हैं, हमें आगे चलना है। इसलिए मैं कहता हूँ, कबीरदास जी ने कहा है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो आप, पल में बहुत पल में परलय होएगी, बहुत करोगे कल। कबीरदास जी ने कह करके चले गए। इसलिए उनका हम करें, कल जो करने वाले हैं उसको अब करें, और अभी नहीं करेंगे तो हम पछताने लायक भी नहीं रह जाएंगे। जो हम काम करें अगर कहीं से आता है तो बिल्कुल, अगर समाज ये देता है कि भाई आप कार्यकारिणी की बैठक लेकर के निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो आम सभा, विशेष आम सभा बुलाइए, 5 वर्ष का इंतजार क्यों करें? विशेष आम सभा बुलाइए और विशेष आम सभा बुला करके आप उसमें निर्णय लीजिए, जो अच्छी चीजें हैं उसको तो लागू करते जाइए, बाकी को पीछे धक्के धक्के जाइए, बिल्कुल धक्के। तीसरी बात एक आया कि सप्तसूत्री कार्यक्रम जो हमारे संविधान में धारा 32 धाराएं हैं उसी का ही एक अंग है, बिल्कुल है, मैं भी इससे सहमत हूँ कि उसी का ही अंग है। लेकिन जब समाज विकृत होता जाए, लोगों को उल्लंघन पे उल्लंघन कर दिया जाए, तो हम सबको एक साथ सभी नियम को नहीं लगा सकते। लगाएंगे कैसे भाई? एक रस्सी है, एक रस्सी में एक व्यक्ति को बांध सकते हो, 5 को नहीं बांध सकते, टूट जाएगी क्योंकि वो उनमें ताकत हो जाएगी, 5 को इकट्ठे करके बांधो छोड़ के निकल जाएंगे। इसलिए जब चावल में कंकर होता है तो हम एक एक करके चूंटे और हटा देते हैं, जो कंकर चला सकता है, चावल में खाने योग्य जो चीजें नहीं रहती है उसको अलग कर देते हैं। वैसे ही 32 धाराओं में जो उल्लंघन कर रहे हैं उसमें पहले किसको हमें बंदिश करना है और कड़ाई से लागू करना है, वही 7 चीजों को लेकर के आया गया था। उन 7 चीजों में आप सफलता प्राप्त कर लीजिए, बाकी के बचे कितने 25 में और 5 चुन लीजिए, उसका उल्लंघन हो रहा है वो अगर ठीक हो गया तो उसमें से 5 और चुन लीजिए भाई, चुन लेंगे तो इस तरह से 32 धाराएं पूरी तरह से लागू हो जाएगी। आप 32 धाराओं को एक साथ लागू नहीं कर सकते। अब ये तो मैंने जो हमारे वक्ताओं ने बोला उन्हीं के आधार पर मैंने बोल दिया, लेकिन मैं बहुत सारी लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर के आया हूँ, मेरे को सीमित समय दिया गया है, सीमित समय दिया गया है, मैं सिर्फ पढ़ के सुना देता हूँ। एक तो पहले मैं नारी शक्ति का बहुत बड़ा फैन हूँ, नारी शक्ति को महत्व इतना देना चाहिए, नारी वही है जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक अहम भूमिका निभाती है, लेकिन उसको हम पीछे छोड़ देते हैं। क्यों पीछे छोड़ते हैं उसको? तो आगे सम्मान का पात्र है, सम्मान के पात्र नारी है, जिस पेट से हम जन्म लेते हैं और हम नारी की कमजोरियां को निकालते हैं, धिक्कार से जिंदगी को हम जो हम इस तरह से करें। इसलिए नारी शक्ति को आगे आने दीजिए, आगे की पंक्ति में बैठ दीजिए, पुरुषों को पीछे थोड़ा सा जाने दीजिए, उसको कोई शर्म या उसकी कोई बात नहीं है। मुझे पीछे बैठने में भी मुझे शर्म नहीं आता, नीचे बैठने में भी शर्म नहीं आता, क्योंकि मैं खुद में सक्षम हूँ कि मैं उन चीजों को बोल सकता हूँ और दूर से भी मेरी आवाज इतनी जोर से निकल सकती है कि आपके कानों तक पहुँचा सकता हूँ। दूसरी बात, युवा शक्ति, युवा शक्ति वो शक्ति है, भारत में देखो विश्व में सबसे ज्यादा युवा भारत में रहते हैं, निवास करते हैं, इसके पहले चीन में किया करते हैं। अब कुछ दिन पहले आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि भारत की जनसंख्या चीन को पीछे छोड़ चुकी है, शायद 142.82 करोड़ की जनसंख्या भारत की हो चुकी है और चीन की जनसंख्या है 142.57 करोड़,
157 करोड़ इस तरह से 29 लाख जनसंख्या हमारी ऊपर आ चुकी है और इसमें युवाओं की संख्या भारत में 142.86 करोड़ है, उसमें 42.86 करोड़ युवाओं की संख्या है जो 15 साल से 50 वर्ष तक के हैं। अब इन जिसका प्रतिशत होता है 30% से लगभग, अगर युवाओं को ध्यान देंगे तभी हम सफलता अर्जित कर पाएंगे। हमारे उसमें सांसों में इतनी दम नहीं, हमारी सांसों में इतनी दम नहीं कि हम युवा के कंधे के सहारे हम चल सकते, क्योंकि युवा जब तक हमें कंधा नहीं देगा हम चार कदम चलने योग्य भी नहीं रहेंगे। इसलिए युवाओं को आगे लाना बहुत जरूरी है। सन 1900 मैंने सुना है कि सन 1996 से स्थान दिया गया है संविधान में, ये संविधान की कॉपी मेरे को मिलती नहीं है, किसी ने व्हाट्सएप में डाला था, मैंने इसको पीडीएफ करके निकाल दिया है। मैं इसके बारे में भी बोलना चाहता था लेकिन मेरे को समय ज्यादा नहीं है, लेकिन 2 मिनट में बोल दूं कि संविधान की पुस्तक में इतने सारे पेजेस हैं लेकिन संविधान के काम की बातें सिर्फ 4 पेज में सिमट गई है। हम कहां जा रहे हैं, हम कहां जा रहे हैं, पहले विचार करिए, मंथन करिए। भैया हमने लिख दिए नियम, समाज के लिए लिख दिए, हम करते क्या है उसके बारे में कुछ नहीं लिखा गया। हम क्या करें समाज के लिए, समाज कैसे आगे बढ़े? समाज बढ़ेगा तब जब हम आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। आर्थिक रूप किस तरह से मजबूत होगा इसके बारे में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। क्या समाज को निर्णय लेकर के क्या कोई विषय आ जाए उसके ऊपर आर्थिक दंड लगा करके हम आर्थिक मजबूती प्रदान कर सकते हैं? और भी कई तरीके हैं आर्थिक सृजन के, लेकिन वो आर्थिक सृजन अभी तक किया नहीं गया है। मैं अभी पढ़ करके सुना देता हूँ, मेरे को ज्यादा समय नहीं दिया गया है। एक तो नारी शक्ति के बारे में बोलना था बोल दिया, युवा शक्ति के बारे में बोलना था बोल दिया, काफी समय देंगे आपको। आज तो 3 दिन का टाइम है, 3 दिन टाइम है, 5 मिनट और दीजिए। मैं 5 मिनट बोल करके, 5 मिनट बोल करके मैं अपनी विभाग बोलूंगा। समाज का रजिस्ट्रेशन समाज का रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है, किसने सोचा या नहीं सोचा? प्रबंधन वर्ग के लोग बैठे हुए हैं,